व्यवसायिक इमारत में प्रॉफिट का झांसा देने वाले प्रमोद सेठी और उनके दो पुत्रों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपितों ने फरियादी हिमांशु शर्मा निवासी रोशन सिंह भंडारी मार्ग से 62 लाख रुपए से अधिक की राशि निवेश के नाम पर ले ली, लेकिन 4 साल बाद भी उसमें प्रॉफिट नहीं दिया और न ही रुपए वापस किए। तुकोगंज थाना पुलिस के मुताबिक फरियादी ने शिकायत की थी कि 2017 में मुझे एक निवेश सलाहकार दिलीप जैन ने आरोपितों से मिलवाया था। आरोपितों ने मुझे कहा कि वे लोग टीआई मॉल के सामने एक व्यवसायिक इमारत बना रहे हैं, वहीं इनमें निवेश के नाम पर मैंने 62 लाख रुपए के चेक के माध्यम से आरोपितों को दे दिए। शुरू में आरोपितों ने लाभ में कुछ हिस्सा दिया, लेकिन बाद में रुपए देना बंद कर दिया। आरोपित मेरे 62 लाख रुपए भी वापस नहीं कर रहे हैं। उनके ऑफिस जाने पर उनके साथियों ने जान से मारने की धमकी दी। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। पर भागीदारी के नाम पर कुछ लोगों को शामिल करके उनके साथ 62,25,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी, उसमें 420 और 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया। सर, ये आरोपी कहाँ कर रहे हैं? सर, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। सर, कितने और कुछ कोई और भी कई रिकॉर्ड सामने आए इनके? अभी वो रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं। इनके खिलाफ एक प्रकरण और तो अपना विजयनगर थाने में दर्ज है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।